morning students, now welcome back for the class. Class 10. आज फिर move on करते हैं narration से. लगातार कई classes हो गए in the past days. Narration थोड़ा सा syllabus topic भी vast है और यूं ही एक formality पूरी नहीं करनी है, details जाना है बोल के थोड़ा सा time taking हो रहा है. Previous video 30-32 minutes का था. Reason was that कि उसमें काफी explanations था क्योंकि topic ही था interrogative sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तो आप समझते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वास्ट एक्सप्लेनेशन है और ये जो आज आपको दे रहे हैं ना दीज आर होमवर्क. तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना है कि आपको होमवर्क नोट डाउन करना है. लेकिन बिफोर मूविंग ऑन एंड डिस्कसिंग विद द होमवर्क जरा सा पुराना रिविजन करते हैं. रिविजन में सबसे बड़ी बात कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें आपको क्या ध्यान देना था. सेट टू के जगह टोल्ड ना करके आपको करना था आस्क्ड, इंक्वायर्ड या फिर डिमांडेड. तो मैक्सिमम में आस्क्ड ही यूज करते हैं. क्वेश्चन जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है वो हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकते हैं और डब्ल्यूएच ग्रुप से भी हो सकते हैं. डब्ल्यूएच फैमिली से दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स थे. हेल्पिंग वर्ब से अगर होते थे तो वी डिस्कस्ड की इफ या वेदर का यूज करते थे और डब्ल्यूएच ग्रुप से होता था तो हम डब्ल्यूएच वर्ड से ही कंटिन्यू कर देते थे. वाई व्हाट विच व्हेन उसी से कंटिन्यू हो जाता था. तीसरी चीज जो हमने डिस्कस किए थे वो क्या था, यूज ऑफ कंजंक्शन. जरा ध्यान देंगे यूज ऑफ कंजंक्शन में डब्ल्यूएच ग्रुप में कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल आप नहीं करते हो. यहां होता है फॉर वेदर, यहां नहीं होता इन दोनों केसेस में. बिसाइड दिस हमने थोड़ा डिटेल्ड बात की थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मतलब कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैंने कहा था. पॉइंट नंबर एक कि चेंज ऑफ प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो सब्जेक्ट और वर्ब अपना प्लेस चेंज कर लेता है व्हेन यू आर राइटिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सेकेंड बात हमने की थी अगर नेगेटिव है, सॉरी उससे पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव थर्ड पे है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें डू डज आपका हटता है और मेन वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है. लेकिन वही डू डज वाले सेंटेंसेस इफ इट कम्स इन नेगेटिव सेंटेंस, डू डज से अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाए और नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज और नॉट में ये जो है आपका बन जाता है डिड, ये चेंज हो जाता है. इट विल रिमेन, इट विल रिमेन. अगली बात जो हमने की थी वो था हैज, हैव से इस्तेमाल अगर इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो इट विल चेंज टू हैड. और अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं हैड से ऑलरेडी क्वेश्चन होता है इट डजंट चेंज, हैड विल रिमेन एज हैड. और 10, 1, 2, 3, 4, 5 अबाउट 5-6 बातें हमने एग्जाम्पल वाइज किया था. सो टुडे उस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज फिर चला जाएगा 30-40 मिनट्स का जो ऑलरेडी वी डिड इन द क्लास. और आज इसको सॉल्यूशन करने से पहले सिंस दिस इज अ होमवर्क तो बिफोर मूविंग ऑन एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस एक बार वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके बीच का वो पॉइंट जो सेक्शन हमने किया था ना और क्वेश्चन सॉल्व किए थे एग्जाम्पल्स में उसको एक बार गौर से देख लेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्यूशन सॉल्विंग. ये उनके लिए जिन्होंने पूरी क्लियरली नहीं समझाया, जो अंडरस्टूड किया है वेरी गुड, कीप इट अप और डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस कलेक्टेड है, मैं एक बार सारा पढ़ देता हूं और आज का इतना ही रहेगा एक रिवीजन के पीछे का और क्वेश्चंस. वी सेड टू देम इज ही मेकिंग अ नॉइस, तो यहां पे चेंज होगा. आप समझ रहे हो सेड टू क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब है, आएगा इफ या वेदर और इन प्लेस चेंज हो जाएंगे, इसका चला जाएगा वास. She said to them, does he disturb? यहां पे ये रिमूव ऑफ हो जाएगा, इफ रहेगा और इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा डिस्टर्ब. He said to them, does she not? यहां पे did और पता नहीं को तो प्लेस चेंज होता है लेकिन does का did चेंज होगा, मेन वर्ब में चेंजेस नहीं रहेंगे. They said to him, has he failed? आप जानते हो हैज के साथ V3 है तो हैज का हेड चेंज करेंगे, V3 एज यूजुअल रहेगा. अगर प्लेस चेंज करना वो ऑलरेडी नोन है कि अगर इसका वॉज करते हैं तो शी वॉज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ वॉज शी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द
The teacher said to the boy, "Do you like my idea?" My friend said, "Why do you look so sad today?" इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देर इज नो ऑब्जेक्ट. दैट ऑल्सो डजंट मैटर. नोट्स में हमने कहा है सेड हो या सेड टू हो, राइट? आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि asked, inquired और demanded में से कोई तो asked जनरली लोग यूज करते हैं. यू कैन यूज दैट. एंड दस ही सेड टू हिज फादर, आर यू नॉट फीलिंग टायर्ड? एंड रीना सेड टू मी, व्हाई आर यू ब्लेमिंग मी? एंड मम्मी सेड टू राहुल, डिड यू फिनिश योर टिफिन? तो इसमें आप देख रहे होंगे डिड ऑलरेडी यू फिनिश, तो इसका आपको क्या करना है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रूल्स. Why WH ग्रुप से है, ये हेल्पिंग वर्ब से है, ये WH ग्रुप से. दो क्वेश्चन हो गए आपके, बाकी सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको ध्यान देना है हाउ टू फॉलो द रूल्स एंड अकॉर्डिंगली टू सॉल्व. सो स्टूडेंट्स, आज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जा रहे हैं. रीजन इज दैट टुडे द होमवर्क डे, टुडे द क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू. और क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया था इसलिए डायरेक्टली बोर्ड पे लिख लिया है कि राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग और रबिंग, तो बेटर है कि मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं. एक्सप्लेनेशन का कोई खास आज उतना नहीं है, फिर भी कुछ डिस्कशंस किए हैं. नोट दिस क्वेश्चंस, सॉल्व इट, दिस इज योर होमवर्क. और किसी बच्चे ने कुछ इंक्वायरी भी की थी कि कॉपीज के लेकर लिटरेचर का एक बना लो, लैंग्वेज का एक बना लो, क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन में और भी बहुत चीजें करनी है. नरेशन ही खाली हमारा क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन नहीं है, मूव ऑन और भी बहुत चीजें करनी है. बहुत सारे एडवांस है, मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट ऑफ सिलेबस लिखवा रखा है इन द क्लास, तो वेट फॉर दैट. लेट मी कम्प्लीट दिस फर्स्ट. नरेशन खत्म होने को है, आज तो इंटरगेटिव हो ही गया, तो तीन और रह गए, मैक्सिमम थ्री क्लासेस. आई विल कम्प्लीट द नरेशन सून और होपिंग दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट. कम्प्लीट योर वर्क एंड सीरियसली टेक इट. कम्प्लीट योर वर्क कमेंट्स की, जो भी हम टीचर्स आपको वर्क देते हैं ना, उसको रिकॉर्ड रखें और एक कलेक्शन अपने पास रखें, रिवाइज करते रहें. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.